हेलो एवरीवन, इट्स योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लॉगिन। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्री बोर्ड का टॉपिक रहेगा। फ्री बोर्ड के ऊपर में बात करेंगे कि फ्री बोर्ड हमारे पास टैंक में रहता क्या है। फ्री बोर्ड बेसिकली हमारे पास टॉप ऑफ द वाटर लेवल एंड बॉटम ऑफ द स्लैब हमारे पास फ्री बोर्ड रहता है। जहाँ पे हम ड्राइंग में देखो 6 इंची फ्री बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, 6 इंची हमारे पास फ्री बोर्ड है। तो हमारे पास टोटल हाइट है यहाँ पर 7 फुट है। तो हमारा यहाँ 7 फुट तक पानी भरा रहेगा और इसके ऊपर जो जगह रहेगी 6 इंची वो हमारे पास फ्री बोर्ड रहता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि फ्री बोर्ड बेसिकली हमारे पास क्यों रखते हैं वाटर टैंक में। फ्री बोर्ड एक तो ये वेंटिलेशन का काम करता है। यहाँ पर हमारे पास 6 इंची स्पेस रह जाएगी ऊपर में, तो ये हमारे पास ऊपर टैंक का ढक्कन है जहाँ से हमारे पास वेंटिलेशन होती रहेगी। और एक फ्री बोर्ड का इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि फ्री बोर्ड की वजह से जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है पानी की, ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर आके सरफेस पे आ जाती है। जो स्लैब की सरफेस होती है, ये जो स्लैब की सरफेस है इसके ऊपर आकर नहीं लगती है। तो जब हम टैंक को साफ़ करते हैं तो ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ है पहले वो सभी यहाँ से उठा ली जाती है, ठीक है। और इसका तीसरा मेन रीज़न ओवरफ्लो का भी होता है, क्योंकि अगर ये 6 इंची यहाँ पे हमारे पास आउटलेट नहीं होगा, फ्री बोर्ड का आउटलेट होगा यहाँ पे एक 6 इंची डाउन, तो अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो पानी है वो वहाँ स्लैब पे आके लग जाएगा, ठीक है। 6 इंची डाउन होने से यहाँ पे ये बाहर आकर गिर जाएगा, ठीक है। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।